नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, FIs ने लगभग 12% से ज़्यादा माल ले रखा है और DIs ने लगभग 26% से ज़्यादा माल ले रखा है एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी में। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतरीन नॉलेज पाना चाहते हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको आप दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मिलती रहे और ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, जैसे आप अपने पैसे को ग्रोथ दे सकें। और मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का होता है, कम से कम किसी भी स्टॉक में 6 महीने 1 साल का नजरिया बना के आइएगा। और ये स्टॉक ऐसा है जो स्मॉल कैप सेक्टर की है, लेकिन कंपनी जबरदस्त कर रही है। डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये स्टॉक स्मॉल कैप का जो है वो 50% 40% डाउन भी आ जाए तो पैनिक मत होइएगा, वहां पे आप बने रहिएगा। ये स्टॉक जब बढ़ेगा तो 10 गुना भी रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि क्वार्टरली जबरदस्त इनके रिजल्ट आए हैं, ईयरली जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। अब इस स्टॉक की बात करें, साथ में यदि आप अपनी पोर्टफोलियो मैनेज कराना चाहते तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके कॉन्टैक्ट कर लूंगा। फिलहाल आगे बात करते हैं कि इस पर क्या करना है। देखिए, प्रमोटर की बात करें यहाँ पे, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रमोटर के पास में 24% के होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर का जो भी स्टेक है वो FIs और DIs ने यहाँ पे स्टेक किया खरीदा है, और पब्लिक के पास मात्र 37% की होल्डिंग है। साथ में यदि आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने क्वार्टरली ईयरली की बात करें तो अभी पिछले मार्च में 370 करोड़ का इन्होंने सेल किया था, 35 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट इनको 16 करोड़ का हुआ था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का, EPS 3.74 का था। अभी दिसंबर क्वार्टर में इनका सेल्स ग्रोथ करके 521 करोड़ का हो चुका और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59 करोड़ का हुआ, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का हुआ, ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ आई 5.11 का। लेकिन दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए जो अभी का रिजल्ट आया, 585 करोड़ का इन्होंने सेल किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 61 करोड़ का है, मतलब ईयरली 4 गुना से ज्यादा जंप है और क्वार्टरली कहीं ना कहीं डबल है प्रॉफिट। ईपीएस में भी जबरदस्त आप ग्रोथ देख सकते हैं 10.33 का। तो ये स्टॉक 400 रुपए का तो है, लेकिन स्टॉक 100% 4000 पे भी जा सकता है। मार्केट कैप इसका देखेंगे, इस कंपनी का तो 2431 करोड़ का है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनियां जबरदस्त आपको ग्रोथ भी दिखा सकती हैं और स्टॉक हो सकता है नीचे 300 पे भी मिल जाए, तो आप पैनिक मत होइए, बने रहिएगा। मेरा नजरिया 1 साल 6 महीने का रहता है, यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक में जा सकते हैं। उसके साथ में कुछ चीज़ें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इनका बैलेंस शीट जो है रिजर्व इनके पास में 269 करोड़ का है, लेकिन थोड़ा सा बोरोइंग इनके पास में ज़्यादा है, लगभग 489 करोड़ का, मतलब 479 करोड़ का इनके पास बोरोइंग है। और उसके साथ में यदि आप देखेंगे तो कंपनी के पास में जो ईयरली रिजल्ट है जबरदस्त है, धमाकेदार ईयरली इन्होंने किया। मार्च 2019 में 1175 करोड़ का सेल किया था, अब नेट प्रॉफिट 26 करोड़ का हुआ था, फिर इनका जो है सेल्स बढ़ के 1371 करोड़ हो गया, नेट प्रॉफिट इनका 30 करोड़ हो गया, लेकिन मार्च 2021 में थोड़ा सा सेल डाउन हुआ, 1211 करोड़ का हो गया और इनका नेट प्रॉफिट 26 करोड़ का हुआ। लेकिन सभी क्वार्टर को बीट करते हुए देखा जाए तो इस ईयर में 1790 करोड़ का इन्होंने सेल किया है और नेट प्रॉफिट 117 करोड़ का हुआ है। जबरदस्त कर सकता है स्टॉक, ये 400 का स्टॉक 4000 पे भी जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इस स्टॉक का नाम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या नाम है, लेकिन BSE NSE दोनों भी स्टॉक लिस्टेड है, ये सबसे बड़ी बात है। मार्केट कैप 2417 करोड़ का है, करंट प्राइस 400 पे है, इसका हाई लिखेंगे 439 का, लो 82 का है, स्टॉक P33.5 का है, थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, लेकिन हाँ आप खरीदते रहिए, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। बुक वैल्यू 48 रुपए का है, डिविडेंड अभी कंपनी देती नहीं, क्योंकि डिविडेंड इसलिए नहीं दे रही क्योंकि कंपनी अभी खुद ग्रोथ फेज में है, खुद ग्रोइंग कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लाई की बात करें 20.5 का है, जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40.4 का है, बेहतरीन है, ये दोनों चीज़ें जो दिख रही हैं, फेस वैल्यू भी 5 है, तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक में जरूर जाइएगा। इस स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टॉक का नाम आपको बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप रिस्क ले सकते हैं अपना एनालिसिस करके इस स्टॉक में जाइएगा। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टॉक बताए हैं जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हुए हैं, ऐसे ही बेहतर नॉलेज पाना चाहते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटियाँ पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, साथ में जाते जाते लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।